पहले हमारे प्लेयर्स का रूल देखते हैं, उसके बाद इमेज बनाएंगे। तो फर्स्ट देखो, सपोज दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, एफ इज फोकल लेंथ, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हियर एफ इज फोकल लेंथ, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को टू एफ भी लिखते हैं, ओके। किसी किसी बुक में यहां पर टू एफ लिखा हुआ है, उसको सी लिखो, कि सी इक्वल टू टू एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ये हो गया फोकस। फर्स्ट रूल है, कोई भी लाइन में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेयर इट विल पास, बताओ तो फोकस से। फोकस से चलिए यहां पे वे लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। वे लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर इट पासेस थ्रू फोकस। ओके, ठीक है। सेकंड रूल क्या होगा, डायग्राम के साथ साथ में बनाते जाओ। सेकंड रूल है, सपोज दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस टू ए, इधर भी फोकस, इधर भी टू ए। एक लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हाट हैपेंड, इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वे लाइट रे इंसिडेंट ऑन लेंस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वे लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया है। थर्ड, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है तो क्या होगा, चलो उसी बात पे हो जाए, इट पासेस विदाउट डेविएशन। लिखना है वेल लाइट रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास विदाउट डेविएशन। ओके, वेल लाइट रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस विदाउट डेविएशन। डायग्राम बना लिए, यस सर। चलो, तो ये थ्री रूल है, इसी रूल से हम लोग आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट रेडी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। रूल हटा दो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी
मटेरियल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है वहां से जो लाइट रे जा रहा है दैट ऑलवेज बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स रे. लाइट रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू रूल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस वेयर दीज टू रे इंटरसेक्ट. तो जहां पे इंटरसेप्ट करता है वहीं पे इमेज बनता है. तो वेयर द इमेज फॉर्म व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज हाइट यूनिट और पॉइंट साइज व्हाट इज द मेजर रियल एंड यूवर रे. आया समझ में? चलो लिख लो इसको. इमेज बनेगा एट फोकस पॉइंट साइज नेचर है रियल एंड इनवर्टेड. हो गया? ठीक है. ये हुआ जब ऑब्जेक्ट कहां पे इंफिनिटी है. चलो नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड टू ए या इसको बियॉन्ड टू ए भी बोलते हैं. ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू ए दिस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर फोकस टू ए फोकस टू ए ऑब्जेक्ट इधर है टू ए के बाहर. हाउ द इमेज फॉर्म फर्स्ट लाइट रे विच इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पासे विदाउट रेडिएशन ये होता है ना. सेकेंड लाइट रे विच इंसिडेंट इसको इंटरसेप्ट करोगे दी टू ए विल इंटरसेप्ट एट ए एस बी एस. तो इमेज क्या बन रहा है बिटवीन एफ एंड टू ए. समझ में आ रहा है ये डायग्राम कैसे बना? अपने को बस रूल यूज करना है. रूल क्या बोलता है कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस विदाउट डेविएशन. द लाइट रे विल इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. दे आर इंटरसेप्ट बिटवीन एफ एंड टू ए. तो वेयर द इमेज फॉर्म इमेज फॉर्म बिटवीन F and 2A. What is the size of men? Smaller than object. Smaller than object. And what is the nature? Nature is the power real and inverted. Okay? Chalo, note down kar lo. Read diagram bana lo. क्या हो गया? डन सर. हो गया एवरीवन डन? ओके. सेकंड है थर्ड और पॉइंट. अभी बताओ थर्ड पॉइंट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए? बिटवीन टू ए एंड टू ए
पहले थ्री था फिर बियॉन्ड टू एफ हो गया एन ऑब्जेक्ट की टू एफ है ऑब्जेक्ट ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर ये फोकस और ये टू है इधर भी ये फोकस और ये टू है ओके नाउ ऑब्जेक्ट इज एट टू है कैन एनीवन आप गेस वेयर द इमेज फॉर्म एट टू है ओके गुड देखो कैसे बनेगा One line with incident in the direction of optical center passes without deviation. Second line with incident parallel to principal axis after reflection passes through focus. These two rays intersect at A dash B dash. यानी at two rays. तो image बनेगा What will be size of image? Equal to object. Size hoga equal to object. Nature kaisa hoga? Real and inverted. हो गया कंप्लीटेड एवरीवन हाँ लिख लो एक बार रे डायग्राम मानो रे डायग्राम में एरो बनाना बहुत जरूरी है एरो मार्क नहीं घूमना है कोई सेंटर ऑफ करेक्शन बोलते हैं ना क्या बोल रहे हो सर टू एफ कोई सेंटर ऑफ करेक्शन बोलते हैं ना हाँ हाँ टू एफ कोई सेंटर ऑफ करेक्शन हो गया यस सर चलो तो टू एफ हो गया अब कहाँ हो गया कौन सा पोजीशन Larger than object or nature.
वर्ल्ड डे। चलो नोट डाउन करो इसको। हो गया? हाँ सर। यस सर। हमारे स्कूल में क्या हो रहा है? कि हमारे स्कूल में बड़ा सा है क्लासरूम के लिए बड़ा सा एक छोटा सा ये बड़ा सा नहीं हो रहा है। बाहर से नहीं बैठ रहे हैं। ये जो क्लास से बाहर आते हैं, ये जो थोड़ा सा क्लास में नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है तो ये सही है। नेक्स्ट क्या बचा? व्हेन ऑब्जेक्ट की एज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस पर है। ये दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर फोकस पॉइंट है ए बी, ऑब्जेक्ट फोकस पे है। तो क्या हो सकता है, कहाँ इमेज बनेगा बताओ तो? देखो वन लाइट रे विद इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पासेस विदाउट डेविएशन, ऐसा हो गया। सेकंड लाइट रे विद इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। अब देखो यहाँ पे ये जो दो रेज है, दी टू रेज बिकम पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हो गया है। पैरेलल रेज कहीं भी चले जाए, कहीं भी जाके इंटरसेप्ट करेगा क्या? नहीं होगा। तो ये हमारे क्यों करेंगे जो इंफाइनाइट में इंटरसेप्ट करेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी। ओके साइंस कैसा होगा बताओ तो? वेरी लार्ज। और नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके चलो डायग्राम बना लो। हो गया आपको सुना। चलो अब एक लास्ट बचा है। When object is between optical center and focus point. When object is between लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, इधर हो गया टूए, ये भी लेंस, इधर टूए, हियर ए बी इज ऑब्जेक्ट। क्या हो सकता है पोजीशन का, इमेज का पोजीशन? और कोई? देखो इधर वन लाइट रे विद पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? इट विल बी अनरेडिएटेड, कोई डेविएशन नहीं होगा, विदाउट डेविएशन पास हो गया। सेकंड लाइट रे विद इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगा? फोकस फोकस से।
क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट चलती है, यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय फॉर्म के लेते चलो देखते हैं फर्स्ट रूल है सपोज इसी फॉर्म के लें ऑप्टिकल सेंटर है बताया था जब भी लाइट पे इंसिडेंट होगा ना तो थीकर साइड में मुड़ता है ये तुम्हारा हो गया फोकस इधर हुए वैसे ही ये फोकस इधर हुए जो लाइट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन बताओ तो किधर से जाना चाहिए उसको इसको पीछे में आओगे डैश डैश करके तो इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस यानी व्हेन एनी लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस होगा कि नहीं होगा ओके लिखो इसको व्हेन लाइट इज इंसिडेंट प्रिंसिपल से ऑफ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस ओके नोट डाउन कर लिए डायग्राम बना लिए क्या सेकंड ये हो गया कॉन्केव लेंस ऑप्टिकल सेंटर ये फोकस पॉइंट ये टू है फोकस पॉइंट टू है चलो देखो एक लाइट पे फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ क्या होगा बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस बात पे When light is incident, in the direction of focus, after refraction, it becomes parallel to principal axis. When light is incident, in the direction of focus, after refraction, it becomes parallel to principal axis. ठीक है लास्ट बचा थर्ड वन ऑप्टिकल सेंटर कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कॉनकेव लेंस में अगर इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स में क्या होगा अनडेविएटेड था ये भी अनडेविएटेड रहेगा यानी पासिव विदाउट डेविएशन लिख लो इसको भी व्हेन लाइट इज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज विदाउट डेविएशन हो गया ठीक है चलो इतना रहने दो आज